ये देखिए दोस्तों, ये हमारा न्यूटेला ब्राउनी कितना ज़्यादा फजी बना है। उसका टेक्सचर देखिए, बहुत ही ज़्यादा केकी, फजी और मॉइस्ट बना है। और मैं इसको तोड़ के दिखा रही हूँ, ये देखिए, तोड़ने से ही पता चल रहा है कि कितना ज़्यादा मॉइस्ट और सुपर डिलीशियस बना है न्यूटेला एगलेस ब्राउनी, वो भी बिना ओवन का। तो ऐसा न्यूटेला ब्राउनी बनाने के लिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा ताकि आप अच्छे से समझ पाएँ और बना पाएँ। तो बिना किए देर रेसिपी को शुरू करते हैं। एगलेस न्यूटेला ब्राउनी बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की जरूरत होगी, पहले उसे देख लेते हैं। यहाँ पे मैंने 70 ग्राम मैदा लिया है, 70 ग्राम मैंने बटर लिया है, 70 ग्राम मैंने कैस्टर शुगर लिया है, 100 ग्राम मैंने न्यूटेला लिया है। मैंने इस ब्रांड का न्यूटेला यूज़ किया, आप कोई भी ब्रांड का न्यूटेला यूज़ कर सकते हैं। फिर 20 ग्राम मैंने कोकोआ पाउडर लिया है, 70 ग्राम मैंने दूध लिया है और गार्निश के लिए मैंने हेजलनट लिया है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर कढ़ाई को प्रीहीट कर लेंगे। तो मैंने गैस जलाया, एकदम लो मीडियम फ्लेम पर मैंने कढ़ाई को रखा, उसके अंदर स्टैंड। और एक बात का आप ख्याल रखें, स्टैंड रखने के बाद ना ही कोई नमक डाले ना ही कोई रेत, इसे बिना कुछ डाले ही प्रीहीट कर लें ढक्कन लगा करके। तो मैं इसे 10 मिनट के लिए प्रीहीट कर लूँगी। इसके बाद मैं यहाँ पे केक टिन दिखा देती हूँ। ये मेरा केक टिन 4x6 का है, तो मैं इसे अच्छे से तेल से ग्रीस कर लूँगी। ग्रीस करने के बाद इसमें मैं बटर पेपर प्लेस कर दूँगी और बटर पेपर के ऊपर भी थोड़ा सा मैं ऑयल स्प्रेड कर दूँगी, जिससे कि हमारा ब्राउनी डीमोल्ड होने में आसानी हो। तो ये हो गया रेडी, इसे करते हैं साइड और चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ। तो एक बड़े से मिक्सिंग बाउल में हम बटर और न्यूटेला डाल करके इसको अच्छे से विस्क कर लेंगे, जिससे बटर और न्यूटेला आपस में कंबाइन हो जाए। जब ये अच्छे से मिक्स हो जाएगा तब इसमें हम कैस्टर शुगर और दूध डालेंगे और इन सबको भी हम एटलीस्ट 1 मिनट तक अच्छे से विस्क कर लेंगे। आप चाहें तो हैंड ब्लेंडर भी यूज़ कर सकते हैं। जब ये अच्छे से मिक्स हो जाएगा तो इसमें मैदा डालेंगे, कोको पाउडर डालेंगे और अच्छे से लम्प फ्री होने तक इसे हम मिक्स कर लेंगे, इसका एक स्मूथ बैटर बना लेंगे। जब आपका बैटर रेडी हो जाएगा तो स्पैचुला की सहायता से आप इसे एक बार कट एंड फोल्ड कर लें और इसका इस टेक्सचर देखिए, क्या रिबन कंसिस्टेंसी ऐसी होनी चाहिए। तब इसे पोर कर देंगे हम अपने केक टिन में और लेवल कर लेंगे। उसके बाद गार्निश हम कर देंगे थोड़े से हेजलनट्स के साथ और इसे प्री हीटेड ओवन में, यानी कि हमारा कढ़ाई में बेक करने चलेंगे। तो ये देखिए, हमारी कढ़ाई अच्छे से प्री हीट हो चुकी है और इसे बहुत सावधानी से यहाँ पे मैं रख दे रही हूँ सेंटर पे और ढक करके इसे हम लो फ्लेम पे 20 से 25 मिनट के लिए पकाएंगे। तो हमारे 20 से 25 मिनट पूरे हो चुके हैं और ये देखिए कितना ऊपर फ्लफ होकर के आ चुका है। मैं इसमें टूथपिक डाल रही हूँ, टूथपिक आधी क्लीन और आधी थोड़ी सी मॉइस्ट वाली निकली है, यानी कि हमारा परफेक्ट फजी कंसिस्टेंसी में हमारा न्यूटेला ब्राउनी रेडी है। जिसे मैं कर लेती हूँ बाहर। और अगर आप फजी और केकी ब्राउनी पसंद नहीं करती तो आप इसे 5-10 मिनट और बेक करें, जिससे कि टूथपिक पूरी तरीके से क्लीन निकलेगा। तो आपका ये ड्राई न्यूटेला ब्राउनी रेडी हो जाएगा। अब ये पूरी तरीके से ठंडा हो चुका है तो मैं एक शार्प नाइफ से इसके मैं स्क्वायर पीस करूँगी और ये देखिए क्या परफेक्ट स्क्वायर पीस निकल रहे हैं। और इसका टेक्सचर देखिए, बहुत ज़्यादा बढ़िया, एकदम स्मूथ कटिंग हुआ है, बहुत ही ज़्यादा फजी केकी एंड स्मूथ बना है। इसे मैं तोड़ के दिखाती हूँ और तोड़ने से ही पता चले कि कितना ज़्यादा सुपर डिलीशियस मॉइस्ट बना हमारा एगलेस न्यूटेला ब्राउनी, वो भी बिना ओवन का। तो आपको मेरी ये एगलेस न्यूटेला ब्राउनी की रेसिपी कैसी लगी, प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। वीडियो बहुत अच्छी लगी तो लाइक करना ना भूलें, शेयर करें मेरे चैनल को ताकि फैमिली और फ्रेंड्स भी बना सके। और मेरे चैनल पे जो लोग नए आए हैं इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रेसिपी के साथ, अभी के लिए बाय बाय, टेक केयर।